जयपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स दिन रात इस वैश्विक महामारी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी के तहत सिख समाज की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। सीएमएचओ ऑफिस में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शिरकत की। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने डॉक्टर्स, नर्सिंग कर्मी और एम्बुलेंस कर्मियों को साफा पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल किट भी उपलब्ध करवाए गए। इस अवसर पर मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, ऐसे में कोरोना वॉरियर्स का काम सराहनीय है। हम पिछले 60 दिन से कोरोना के अंदर मेरे वॉरियर, कोरोना के अंदर मेरे कार्यकर्ता, मेरे स्टाफ, मेरे डॉक्टर, मेरे नर्सिंग स्टाफ, मेरे एलटी सब भाई दिन रात से जुटे हुए हैं। रोज सुबह निकलते हैं ऐसे और रात को से देर रात तक काम करते रहते हैं फील्ड में। आज सिख समाज द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ाते रहें जिससे हम इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई कर सकें और इसको हरा सकें। बहुत धन्यवाद। सिख समाज द्वारा सगल राजस्थान की तरफ से ही मेडिकल स्टाफ, इसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है, सबका हमने स्वागत किया है। इवन फायर ब्रिगेड वालों का किया है, जो आज जिनका बहुत बड़ा रोल है वो भी आज हमने उनका स्वागत किया है। खास तौर से हम डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ इनके बहुत आभारी हैं जिन्होंने राजस्थान में इस कोरोना को इतना कंट्रोल किया कि 60% रिकवरी रेट आ गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। लगा राजस्थान सिख समाज के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का यह सम्मान रखा गया है, जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ प्लस सभी लोग, उनका आज ये सम्मान रखा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई है कि जिस तरह से ये लोग एक इस संकट की घड़ी में, जहाँ पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी कोरोना फैला हुआ है, उससे मुकाबला करने में, उसको हराने में एक जी जान लगा करके जुटे हुए हैं। मैं इनके जज्बे को, इनकी प्रतिबद्धता को, इनके संघर्ष को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इसी तरह से एकजुटता दिखा करके प्रतिबद्धता